खौफ का दूसरा नाम हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता। 6.5 मिलियन यहूदियों सहित करीब 11 मिलियन यानी कि करोड़ों लोगों का कातिल हिटलर एक साधारण ब्लेड से डरता था। क्यों चौंकाए ना, हिटलर जिसके खौफ के आगे पूरा जर्मनी कांपा करता था, वह एक साधारण ब्लेड से कांप जाता था। और इतना बड़ा राजनेता होते हुए भी अपनी दाढ़ी किसी और से नहीं बनवाता था, बल्कि वह अपनी दाढ़ी स्वयं बनाता था ताकि कहीं उसी ब्लेड से कोई उसकी जान ना ले ले। और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी गर्दन के पास ब्लेड ले जाए। परंतु इतना खड़ूस, अत्याचारी और बेरहम होते हुए भी वह एक वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी था। चौंकाने वाली बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि इतने बड़े तानाशाह ने 1945 में आत्महत्या कर ली। पर क्यों, जवाब इसी वीडियो में है, इसीलिए वॉच टिल एंड। एक समूचे राष्ट्र को अपने खौफ के डर से भीगी बिल्ली बना देने वाला यह शख्स एक साधारण बिल्ली से डरता था। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बान नामक स्थान पर हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा हुआ था। सन 1934 में हिटलर को जर्मनी का अधिनायक बनाया गया। बाद में कई वर्षों तक वह जर्मनी पर शासन करता रहा, लेकिन 1945 में उसने अपने आप को गोली मार ली। पर उसने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि वर्ष 1945 के एक दिन हिटलर अपने कमरे में था, अचानक गोली चलने की आवाज आई। सब लोगों ने जब जाकर देखा तो हिटलर वहां मरा पड़ा था, लेकिन एक नाजी पत्रकार का मानना है कि हिटलर ने आत्महत्या की ही नहीं, उसने अपनी आत्महत्या का सॉन्ग रचा था। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसे कई जगहों पर देखा गया है, जिसकी तस्वीरें उस नाजी पत्रकार ने पेश की, जिससे स्पष्ट होता है कि हिटलर ने लोगों से बचने के लिए ये ढोंग रचा था। लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।